वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि अभी काफ़ी यहाँ पे अभी लगातार मेरे चैनल पे 25R की वीडियोस आ रही हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना इसका बैटल NS 200 BS6 मॉडल से किया जाए। और ये 200 सीसी है और यही जो 25R है ये इनलाइन 4 सिलेंडर के साथ में 250 सीसी के इंजन के साथ में 4 लाइन आती है, इनलाइन 4 सिलेंडर की गाड़ी है। BHP की बात करी जाए तो 51 BHP का हॉर्स पावर का इंजन है इसके अंदर और NS 200 में है, उसमें आई थिंक सो 23 या 24 हॉर्स पावर है। आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, इतना खतरनाक कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप प्यार बनाते रहो, नई नई गाड़ियाँ के साथ में ड्राइव आती रहेगी। आज हमारे साथ कर रहे हैं अंकित भाई शूट। तो चलिए इस बैटल को शुरू करते हैं। और ये एक तरह से नेकेड और फेड की रेस होने वाली है। पहले अंकित चलाएगा ZX10R को, सॉरी ZX10R नहीं, लिटिल पुष्पा 25R। तो चलिए अब इसका साउंड सुना देते हैं। तो चलिए भाई साउंड सुनाइए। तो भाई कैसी लगी साउंड ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आपको एक चीज़ दिखा दूं कि NS में कंसोल आपको इस तरह का देखने को मिलता है। BS6 मॉडल वाला है ये, BS6 फेज 2 नहीं है ये। और इसी तरफ आपको 25R का मीटर जो देखने को मिलेगा वो थोड़ा क्लासी लुक मिल जाएगा आपको। और इनलाइन 4 सिलेंडर है तो इनसेन आवाज़ होगी भाई। अभी एग्जॉस्ट नहीं लगा है, एग्जॉस्ट लग जाएगा तो भाई ख़तरनाक आवाज़ आने वाली है इसमें से। तो चलिए इस बैटल को शुरू करते हैं। और भाई चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। चलिए इस बैटल को शुरू करते हैं और मज़े लेते हैं। तो यहाँ पे 25R जो है पावरफुल है। भाई मौका दे रहा है अंकित मुझे फील हो रहा है। ये देखो आया, मौका दे रहा है लौटा, पर कितनी देर गाइस। एक बार को BS3 होता 2012 वाला, किसने वो बाइक चलाई है वो कमेंट करके मुझे बताए, मुझे भी पता चले कि भाई कितने बाइकर्स हैं अपने कम्युनिटी में और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हो। ये कमेंट करना रे भाई। बात करते करते 25R आ गई बाहर, इतनी तेज निकली है भाई। ये फिर मौका दे रहा है मुझे। पता ही है, सबको पता था कि भाई इनलाइन 4 है तो इनलाइन 4 ही जीतने वाली है। NS 200 का तो भाई कचूमर निकल गया है। यहाँ पे बजाज फैन बॉयज़ भी बहुत निराश होते हुए, क्या कहते हो अंकित भाई? यहाँ पे बजाज वाले भी भाई, लेकिन भाई यार इनलाइन 4 सिलेंडर लिए हो, शर्म करो थोड़ी। नहीं डाले हमने पाँचवी में। अब ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तो चलिए एक बार अब राइडर स्विच कर लिया है, अब चलाते हैं हम 25R। हारने के लिए तैयार? मौका देते हैं इसे, जाओ जाओ। क्या रेस करेगा। देखो चौथे गियर में होगा, इसमें चौथे गियर में तब भी एनएस नहीं निकल पा रही। नहीं मैं थ्रॉटल दे दूँ, अभी तो थ्रॉटल भी नहीं दे रहा हूँ मैं पूरा। ये देखो ऐसा मजाक ये नहीं झेला जाएगा गाइस। ये दर्द गाइस, 4 गियर 4। ये दर्द गाइस 4 गियर में एनएस पीछे। भाई मिरर में अगर व्यू में आ रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा ये लौंडा घूम तो रहा है। ये देखो यार अरे भाई इतना दर्द भाई। ये देखो 4 गियर मैंने कभी लगाएंगे, 4 गियर। अब मैंने 5वां डाला है टॉडल, बिल्कुल समझ लो 25% मैंने पकड़ा हुआ है बस। अगर 75 मेरे हाथ में है 5वें गियर में। भाई ये आया तो गाइस यहाँ पे देखा आपने, हमने 4 गियर लगाए और अंकित भाई की फट के चबूतरा हो गई, क्योंकि उन्होंने NS 200 चला रहे थे। और भाई यहाँ पे भाई 25R बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है गाइस। मुझे लगता है यार कि 200 सीसीज़ को बेइज्जत करना हो जा रहा है, इनलाइन 4 को करना। लेकिन भाई हमारा काम इनलाइन, हमारा तो काम ही है भाई ड्रैग करना और नए कंटेंट लाना, आपको एंटरटेनमेंट करना। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू।